हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। तो आज की इस वीडियो में हम ये आप देख रहे हैं जो कुर्ती का दामन तिरछा हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। जो नए सिलाई वाले होते हैं, जो नए बिगनर्स रहते हैं, उनसे ये बहुत प्रॉब्लम ज़्यादातर हो जाती है। तो उनसे जो है ये प्रॉब्लम यहाँ साइड के जो चाक है वहाँ पर भी होती है, और यहाँ नीचे की साइड पर भी इस तरीके से हो जाती है जिस तरीके से इस कुर्ती पर हुई है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि कटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो वो फिर सिलाई खोलते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं और वापस से फिर उस पर सिलाई लगाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कई बार ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। तो देखिए इस तरीके से इस पर भी ये कुर्ती पर भी इस तरीके से प्रॉब्लम हुई है। तो आज हम इसमें बिना सिलाई लगाए और बिना इसकी सिलाई उधेड़े हम इसको ठीक करके बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो कुर्ती में प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ बिगिनर्स के साथ होती है, वो जो सिलाई अच्छी करती हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बहुत अच्छा बताने वाली हूँ। बिना कटिंग किए, बिना इसको उधेड़े, आप बिना इसको वापस से कटिंग करके वापस से सीने के बजाय इसमें क्या कर सकती हैं, बहुत बार ये प्रॉब्लम यहाँ के चाकू पर भी हो जाती है। तो चलिए मैं इसका बहुत ही अच्छा, जो शायद ही किसी को आपने यूट्यूब पर इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन किसी ने शायद ही आपको बताया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और बार मैं ये आपको कुर्ती का दामन दिखा देती हूँ। और ये दामन में प्रॉब्लम होती क्यों है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मशीन की जो सुई है उसमें ब्लैक कलर का धागा लगा हुआ है, इसे हम निकाल देंगे। तो दोनों तरफ के धागे हमें मशीन के निकाल देना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने दोनों धागे निकाल दिए हैं। अब इस तरीके से कुर्ते के दामन को रखना है और यहाँ पर उंगली को आप इस तरीके से रख कर और उंगली को आप अंदर की तरफ इस तरीके से दबाइए। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है पूरे दामन पर, थोड़ी थोड़े कपड़े पर हमें सिलाई लगाते जाना है और हाथ हटाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए पूरे दामन पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देना है। ये देखिए पूरे दामन पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देना है। और इस दामन पे जो है लेस लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि लेस वाले दामन पर ही ये ट्रिक हमें इस्तेमाल करना है। अगर लेस नहीं लगी हुई है फिर भी आपके दामन पर ये प्रॉब्लम हुई है तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका दामन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए अभी हम अगर इस पर प्रेस कर लेंगे तो ये और भी अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी जो कुर्ती की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और ये जो ट्रिक है वो आप कुर्ती के साइड के चाक पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और कैसी लगी आपको ये ट्रिक प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।